हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमने कल आपके साथ पाठ एक पढ़ाया था, ऊँट चला, वो कविता थी। अब वो बच्चों कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और आज हम जो पढ़ाएंगे वो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसी का है पाठ दो। पार्ट दो है भालू ने खेली फुटबॉल, पेज नंबर 8 है। तो इसको पढ़ाएंगे हम। पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपसे बातें करते हैं उसी के विषय में। भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, भालू ने फुटबॉल खेली, पर फुटबॉल ये है क्या? किसके साथ ये फुटबॉल वाकई में फुटबॉल थी या कुछ और था? तो ये फुटबॉल है एक शेर का बच्चा, जो कि सर्दी का मौसम में बहुत ही ठंड लग रही थी उसे, तो वो एक छोटा सा शेर का बच्चा था। वो सिमट कर सर्दी की वजह से वो सिमट कर गोल मटोल सा बना हुआ बैठा था। लेकिन भालू ने सोचा कि ये तो फुटबॉल है, चलो इससे खेलते हैं। तो भालू ने उस शेर के बच्चे को फुटबॉल के रूप में उसने अपने पैरों से बहुत ऊपर उछाल दिया। तो ये था फुटबॉल। मैं भी समझूँ ये फुटबॉल, भालू फुटबॉल के साथ खेल रहा है। बच्चों, अब मेरे साथ आप लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ दो, भालू ने खेली फुटबॉल, पेज नंबर 8 है। तो बच्चों, मेरे साथ पाठ पढ़ना। हाँ तो बच्चों, आप सब मेरे साथ पाठ पढ़ेंगे। पाठ दो, भालू ने खेली फुटबॉल, ये ऊपर लिखा है बच्चों। और पाठ पढ़ने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब मैं पाठ पढ़ाऊँगी तो आप अपनी बुक खोलिए और बुक पे जहाँ मैं पढ़ूँगी वहाँ पर अपनी उंगली रखिएगा, क्योंकि अब जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक इसकी स्टोरी पता नहीं चलेगी। तो अपनी पेंसिल और कॉपी और रबड़ सब साथ में लेके बैठना, क्योंकि इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसमें भी मैं निशान लगवाऊंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों, मेरे साथ पढ़िए। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना, जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, ये है आपका मौसम, किसका था? सर्दियों का। सर्दियों का मतलब होता है ठंड, तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। और वक्त क्या? सुबह का वक्त था। चारों तरफ मतलब हर तरफ कोहरा ही कोहरा। कोहरा का मतलब होता है धुंध, तो कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध, चारों तरफ धुंध ही धुंध। एक शेर का बच्चा, उसी समय क्या हुआ, एक शेर का बच्चा उधर से आया। वो उसकी हालत क्या थी, क्योंकि उसे ठंड बहुत लग रही थी। और देखो, ये शेर का बच्चा है, ये शेर का बच्चा, इसको बहुत ठंड लग रही है और ठंड की वजह से ये सिकुड़ा हुआ बैठा हुआ है। तो ये जामुन के पेड़ के नीचे इसलिए बैठा है ताकि ये सोच रहा है कि मुझे कुछ गर्मी में मिल जाए। तो लेकिन पेड़ के नीचे ये सिमट कर गोल मटोल सा बना बैठा है। तो सुबह सुबह कोहरा धुंध छा जाती है, सर्दी के मौसम में ठंडी बहुत पड़ती है। तो इसका इसीलिए इस शेर का बच्चा ठंड की वजह से गोल मटोल बनकर एक जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब इधर भालू साहब क्या किया, भालू साहब जो है सैर के लिए तो निकल आए थे लेकिन वो पछता रहे थे। पछता क्यों रहे थे? क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, वो भालू अंदर थे तो उन्हें पता नहीं चल रहा था। लेकिन जो बाहर निकले सैर के लिए, तो उन्होंने उनको जो है बाहर निकल कर उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो इसीलिए वो पछता रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उनकी नज़र एक शेर के बच्चे पर पड़ी। क्या हुआ,
तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो नीचे पड़ी ये देखो, ये जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी तो उन्होंने क्या देखा, एकदम से चौंक गए। तो फिर उन्होंने उनकी आंखें ना फैली रह गई, आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल करते हैं। इधर भालू साहब ने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि आंखें फैलाई, उन्होंने देखा ये है क्या फैला कर, अरे ये तो फुटबॉल की तरह कुछ पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। जब उन्होंने देखा तो गोल सी चीज़ पड़ी थी, उन्हें लगा, भालू को लगा कि ये तो फुटबॉल है, चलो इससे खेलते हैं, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब वो सोच रहे थे कहीं से गर्मी मिल जाए, तो भालू साहब ने सोचा ये तो बढ़िया हो गया, चलो फुटबॉल खेल कर शरीर में कुछ गर्मी आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो शेर का बच्चा पड़ा हुआ था नीचे, तो उन्होंने समझा फुटबॉल है, उसी से उन्होंने खेलना शुरू किया। बच्चों तुम लोग भी या हम लोग किसी समय भी कोई भी चीज़ खेलते हैं तो क्या होता है, शरीर में गर्मी आ जाती है। तो वही भालू साहब ने किया, भालू ने फुटबॉल समझकर खेलना चाहा तो उनके शरीर में गर्मी आ जाएगी, ये सोच के खेला। तो अब बच्चों पेज नंबर 8 है, 8 अभी हमने पढ़ा था, अब ये है पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 में देखो, आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ताओ ना ताओ का मतलब पता है, गुस्से में काबू ना पाना, मतलब बहुत क्रोधित होना, आफा खो देना। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो हमें क्या, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो यहाँ लिखा है आओ देखा ना ताओ, बच्चों देखो उंगली रखी है आपने इस पे, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर छे से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब उसको भालू साहब ने, भालू जी ने क्या किया, अपने पैर से गुस्से में अपने पैर से क्या किया, शेर के बच्चे को बहुत ऊपर उछाल दिया। अब हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब हड़बड़ी में क्या हुआ, जल्दी से शेर के बच्चे ने हड़बड़ी में गुर्राया, चिल्लाया शेर का बच्चा, और उस समय वो शेर का बच्चा उछल कर पेड़ की डाल पकड़ ली। पकड़ इसलिए ली क्योंकि वो गुस्से में था और हड़बड़ाया जल्दी में था कि कहीं हमारे चोट न लगाए। उसको क्या हुआ, उसको देखो ये बच्चों, ये डाल दिखी है, इस पे डाल पे देखो, डाल पकड़ ली शेर के बच्चे ने, तो उसको जो सूझा उसने वही किया। मगर क्या हुआ, वो डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, मतलब उनकी ये भालू साहब की ये समझ में आ गया कि अब करना क्या है, क्योंकि वो डाल टूट गई। अब भालू को ये नहीं पता था कि इसको ये पकड़ेगा तो पकड़ने में उसके ये चोट लग जाएगी, तो ये सोचकर जल्दी से मामला समझ गए, मतलब उनकी समझ में आ गया कि अरे ये तो शेर का बच्चा नीचे गिर जाएगा। तो अब क्या किया, डाल तो टूट गई, भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती माने जल्दी से दोनों हाथ बढ़ाए, अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए भालू साहब ने और शेर के बच्चे को लपक लिया मतलब पकड़ लिया। तो देखो भालू साहब जो है, उनकी पिक्चर देखो, फोटो देखो उसमें कि अपनी किताब में, ये भालू साहब ने दोनों हाथ फैला लिए, शेर का बच्चा गिरते गिरते बचा है, तो तक यही अफसोस कर रहे थे कि मैंने इसको क्यों उछाला तो उसने डाल पकड़ी, अगर डाल ना पकड़ी होती तो वो डाल टूटती नहीं, क्योंकि शेर के बच्चे की जो है वजन ज़्यादा था इसलिए डाल टूट गई। तो उन्होंने जल्दी से, भालू साहब ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए और शेर के बच्चे को लपक लिया, यानी कि पकड़ लिया। बच्चों इसी के साथ मैं आपको कुछ शब्द, कठिन शब्द हैं तो कठिन शब्द में निशान लगवाती हूँ, तो अभी आप पेंसिल से अपने निशान लगाना। हाँ तो बच्चों हमने बताया था आपको पेज नंबर 8, कुछ कठिन शब्द में टिक लगवा रही हूँ, तो आप अपनी बुक में निकालो और बुक निकाल के मैं शब्द बोल रही हूँ आप जो है उसमें टिक लगाओ।
नंबर वन सुबह शेर, जामुन, हुआ, भालू, शेर, फिर पेड़, फिर नीचे फैलाई और फुटबॉल। इसके बाद देखो पेज नंबर 9 में टूट, लेकिन, दौड़कर। तो ये तो बच्चों इस पेज नंबर में थे दोनों में। अब आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे बच्चों, गुड बाय।